जिया निशा की चाल में कुछ इस कदर फंस गई है कि वो अपने घर वालों को छोड़कर सलाखों के पीछे पहुंच गई है। हर बार निशा की चाल को करारा जवाब देते हुए जिया ने भले ही बाजी मार ली हो, पर इस बार बाजी निशा की तरफ पलट चुकी है। जिया के घर से जाते ही पूरा घर मानो जैसे बिखर सा गया हो। फिर वो चाहे काकी हो या जानवी की ये प्यारी सी बेटी, हर कोई अर्जुन से बस यही कह रहा है कि किसी भी तरह जिया को जेल से बाहर निकालो। हाँ, मतलब क्या है, इंस्टिंक्टिवली जिया ने सबसे पहले शी ट्राई टू हेल्प बाबा साहब, चाकू हाथ ऐसे चले जाता है तो फिंगरप्रिंट्स जिया के उस पर आ गए और निशा ने बहुत चालाकी से उसे जेल में डाल दिया है। बट अब अर्जुन अपनी फैमिली के साथ मिलकर कुछ करेगा ऐसा जिससे इवेंचुअली निशा पे भारी पड़ेगा। अर्जुन ने काकी सा को वादा तो कर दिया है, लेकिन ये बात अर्जुन भी अच्छी तरह जानता है कि निशा के चंगुल से जिया को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार तो अर्जुन ने भी इस नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली है। हमेशा से निशा एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब शायद इवेंचुअली जिया को हम बाहर निकाल लेंगे, आगे आप देखेंगे कैसे। और निशा से एक कदम आगे चलकर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि निशा को खुद अपने आप फंस जाएगी वो एक तरीके से। अर्जुन, आपको ऑल द बेस्ट। देखते हैं आप अपने प्यार के लिए ये पहली जंग जीत पाते हैं या नहीं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।